दोस्तों, जैसे कि कल बताया था कि कल आउटकम आना था फेड की तरफ से, अमेरिका से अपडेट आनी थी। आज भी रात में देखिएगा फेड की तरफ से अपडेट आनी है, वो टेलीग्राम पे अपडेट की जाती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिएगा। टाइम प्रेडिक्शन रेडी है और कल की तरह देखिएगा, आपको पता है आज जैसे आपको प्रॉफिट देखने मिला केवल 15 मिनट में, 9:20 पे अप ट्रेंड बोला था और आप देखिएगा 16 मिनट में अप ट्रेंड आया, ना टाइम लगा प्रॉफिट बनाने में और उसके बाद देखिएगा शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिला 400 से 500 पॉइंट का। तो अगर आप देखिएगा बढ़िया पैसा बनाना चाहते हैं विद लर्निंग ऑफ चार्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे FII ने यहाँ पे एक अच्छा टर्न अराउंड लिया है। अब ये क्या लास्ट लॉन्गर है कि नहीं है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि जो हिंट आ रहे हैं, जो क्लू आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे FII सेलिंग करेंगे और जहां पे भी FII हल्के होंगे तो आपको कम से कम 200 पॉइंट निफ्टी में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, कम से कम 200 पॉइंट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी मैं बताता हूं वो फैक्ट एंड फिगर के साथ बताता हूं। मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने परसों भी आपको बताया था कि फेड के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, वो कभी भी कुछ अच्छा आके नहीं बोलेंगे। अगले हफ्ते भी प्रिपेयर रहिए, बॉन्ड मार्केट बढ़ने वाला है। पूरी तरीके से फैक्ट एंड फिगर के साथ एक एक चीज को क्लियर करता रहता हूं। तो यहां पे देखिएगा नो गो एरिया, FII ने देखिएगा सेल करा है 3 सेक्टर में और कितने देखिएगा स्टॉक करे हैं 10,000 करोड़ के, यानी कि 10,000 करोड़ के देखिएगा सेलिंग कर दिए स्टॉक, और वो भी 3 सेक्टर में। हो सकता है आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो और भी ज्यादा रिसर्च को मजबूत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मेजर सेक्टर हैं। और अगर FIIs यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको पता है कि इन सेक्टर को परफॉर्म करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि सेलिंग कहीं से भी अच्छी नहीं होती है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस देखिएगा जब बाइंग करते हैं किसी सेक्टर में तो उस सेक्टर में तेजी बहुत तेजी से आती है। लाइक अगर आप देखोगे DIIs बाइंग कर रहे होंगे तो आपको 2-3 महीने लग सकते हैं, लेकिन FIIs बाइंग करेंगे तो वही चीज़ 15 दिन में आपको रिटर्न बनाते हुए देखने को मिलेगी। तो सेम सिनेरियो है कि अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर हु हैव बीन अ सेलिंग स्प्री इन अ लास्ट फ्यू मंथ, लगातार सेलिंग चल रही है, FII लगातार सेलिंग कर रहे हैं और उन्होंने सोल्ड करे हैं अभी 10,000 करोड़ के स्टॉक। 10,000 करोड़ बहुत होता है, आपको भी पता है कि 10,000 करोड़ की अगर सेलिंग किसी 3 सेक्टर में आ रही है तो वहां पे प्रेशर तो देखने को मिलेगा और वो सेक्टर भी अंडर परफॉर्म करेगा। तो अगर आप देखेंगे 3 ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर, और कौन कौन से वो सेक्टर हैं, पहला मेटल, दूसरा पावर, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस, क्योंकि ऑयल एंड गैस में रिलायंस इंडस्ट्री भी आता है और आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री मेजर वेटेज रखता है निफ्टी 50 में। तो आपको भी पता है कि अगर ऑयल एंड गैस भी क्वालिटी देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्रूड ऑयल के जो एक्सपेक्टेशन है, यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के एक्सपेक्टेशन थोड़े से कम है। इसका मतलब है विंडफॉल टैक्सेस लगे हुए हैं और आपको पता है मार्जिन कमी होंगे, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अगर डाउन रहते हैं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा इस क्वार्टर में भी, यानी कि इस क्वार्टर के रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे जो मार्च के एंड में आपको देखने को मिलेगा। और ये तीनों ही मेजर सेक्टर है। निफ्टी मेटल तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि निफ्टी मेटल तो आपको सीधा देख लेना होता है कि कॉमोडिटी कैसा परफॉर्म कर रही है। कॉमोडिटी देखिएगा कल परफॉर्म नहीं करी थी, निफ्टी मेटल ने भी परफॉर्म नहीं करा, और आपको भी पता है पावर सेक्टर ऑलवेज सुस्त रहता है, ये एकदम एक साथ तेजी से नहीं भाग सकता। तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर अभी प्रेशर में रह सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉस्ट सेल ऑफ देखने को मिला है इन ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और आपको पता है कि अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर से पैसा निकाल के बाहर जा रहा है तो इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हो 2-3 महीने से बनी हुई है कि वो अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस बनी रह सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे पावर सेक्टर में सेलिंग है, उसके बाद कम से कम मेटल में, मेटल में तो देखिएगा एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा चाइना की इकॉनमी पर, बट ये आपको याद रखना है ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा जो निफ्टी के लिए अच्छी बात नहीं है।
अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि आज क्या हुआ है। आज देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2 मार्च से बाइंग चल रही है, 2 मार्च बाइंग हुई, 3 मार्च बाइंग हुई, 6 मार्च बाइंग हुई, 8 मार्च बाइंग हुई। लेकिन अभी आपको अगर आप स्ट्रेंथ की बात करोगे निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में, तो वो स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। आज भी आपको पता है अडानी के स्टॉक्स देखिएगा ग्रीन में थे, इसलिए आपको निफ्टी निफ्टी बैंक प्लस में क्लोज होता हुआ देखने को मिला। अडानी के स्टॉक में एक बार भी देखेगा किसी भी दिन लोअर सर्किट लगता है तो तुरंत आपको देखेगा निफ्टी बैंक रेड में क्लोज होता हुआ देखने मिलेगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो बाइंग आप देख रहे हो इसके बेसिस पे आप ये मत समझिएगा कि अब लगातार फ्री फ्लो आ चुका है, FIIs वापस आ चुके हैं मार्केट में और बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको ये बता देता हूं कि यहां पे FII हल्के हो रहे हैं फ्यूचर इंडेक्स में, यानी कि अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में, अगर आप देखेंगे इंडेक्स में, उन्होंने कंपैरेटिवली 3 मार्च की अपेक्षा आज आधी बाइंग करी है। तो आप ये समझ लीजिएगा जहां पे भी ऊपर के लेवल पे FIIs थोड़े से भी हल्के होते हैं, इवन अगर सेलिंग कर देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो अगर जरा सा भी हल्के होते हैं तो तुरंत आपको देखेगा ऊपर से निफ्टी 200 पॉइंट गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये होने वाला है या फिर हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको पता है FIIs और डॉलर इंडेक्स का करेंसी का सीधा कोरिलेशन होता है। अगर आपकी देखिएगा करेंसी में डिप्रिशिएशन है, उसमें देखिएगा गिरावट आ रही है, तो इसका मतलब पैसा आपके पास से, आपके इकोनॉमी से, आपके कैपिटल मार्केट से निकल के बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा। अब मैं आपको देखिएगा दिखाता हूँ कि पिछले दिसंबर में भी देखिएगा उन्होंने, लास्ट दिसंबर में भी सेलर थे, फरवरी में भी, जनवरी में भी, तो लगातार उन्होंने बिकवाली करी है। अभी मार्च आपको पता है शुरुआत ही हुई है और मार्च में किसी भी दिन देखिएगा अभी तक आपने एक सेलिंग नहीं देखी है, या तो सेलिंग नहीं देखी, बड़ी सेलिंग नहीं देखी है, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पर रिबाउंड कर दिया है। तो डॉलर इंडेक्स ये सीधा इंडिकेशन दे रहा है कि अगर डॉलर इंडेक्स इस पर्टिकुलर लेवल पे बना रहता है तो अदर करेंसियों में मेजर फॉल देखने को मिलेगा, और अगर अदर करेंसी में डेप्रिशिएशन देखने को मिलेगा तो इसका मतलब FIIs भी सेलिंग करेंगे। ये सीधा कोरिलेशन होता है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद बॉन्ड मार्केट, आपको भी पता है फेड की मीटिंग है 21-22 मार्च में, और आपको ये भी पता है कि फेड अभी भी कुछ अच्छा नहीं बोला, फेड आज भी कुछ अच्छा नहीं बोलेगा, तो ये चीज़ क्या है कि डॉलर को स्ट्रेंथ देती रहेगी, बॉन्ड मार्केट को स्ट्रेंथ देती रहेगी, और इनके कोरिलेशन से सीधे सीधे क्या आएगा, करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, करेंसी देखेगा डेप्रिशिएट होगी। तो आपको पता है कि FIIs कभी भी हल्के हो सकते हैं, और जैसे वो हल्के होंगे तो ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, आप जो भी प्रॉफिट बना रहे हो, जैसे प्रॉफिट बन रहा है वहाँ पर प्रॉफिट लेते भी रहिए, क्योंकि ऊपर के लेवल से कभी भी सेलिंग आ सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।